जनरल अवेयरनेस होगी, एक्सपोजर होगा, तब तक इंसान कुछ नहीं है। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे आपके उसातिज़ा इकराम, आपके लेक्चरर साहिबान आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो जरूरत है वो जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। कीप क्वाइट प्लीज। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की जरूरत क्यों है आज आप लोगों को महसूस नहीं होगा। आज आप लोग इस रूरल एरियाज में, इस स्कूल में पढ़ रहे हो, कल आप लोगों को कॉलेज में जाना होगा, यूनिवर्सिटी में जाना होगा। उस यूनिवर्सिटी में कितनी मुश्किलें आती है गांव के स्टूडेंट को, रूरल एरियाज के स्टूडेंट को, वो मुश्किलों का, उन मुश्किलों का अभी आपको ख्याल भी नहीं है। यहाँ से जितने भी स्टूडेंट गए होंगे उनसे पूछ लेना कॉलेज में कितनी दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी में जब जाओगे आप, जब दिल्ली जाओगे पढ़ने आप, या कहीं बेंगलोर जाओगे पढ़ने आप, जम्मू जाओगे, श्रीनगर जाओगे, यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से आते हैं। वह खाली मलानू स्कूल के स्टूडेंट नहीं होंगे, वहाँ पूरे स्टेट के स्टूडेंट होंगे, वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट होंगे। तो वहाँ पे आपको अपने आप को कैसे चलाना होगा, वहाँ पे सेमिनार होते हैं, वहाँ पे क्विज कंपटीशन होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग भी, हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी आगे चले, उन क्विज कंपटीशन में, उन सेमिनार में अपना एक्सपोजर दिखाएं और वो हमारे यहाँ के स्कूल का नाम रोशन करें। इसलिए आप लोगों को आज इस जो है यूथ पार्लियामेंट के बारे में ये जो डिबेट होगी, जितने भी यहाँ पे आए हुए सीनियर लोग हैं उनसे आपको सुनना होगा कि आप लोगों को आगे कैसे जाना होगा, इस डिपार्टमेंट से आपको इन स्कीम्स के बारे में बेनिफिट्स कैसे उठाने हैं। गर्ल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है और बॉयज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये समझते होंगे कि आज तक मलानू स्कूल से कोई MBBS डॉक्टर नहीं निकला होगा, आज तक मलानू स्कूल से कोई ऐसा इंजीनियर नहीं निकला होगा जिसने इंजीनियरिंग पास किया होगा एग्जाम और इंजीनियर बन गया होगा, आज तक मलानू स्कूल से कोई KS या IAS ऑफिसर नहीं निकला होगा, किसी ने आज तक सिविल सर्विस एग्जाम या IPS नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा? कि उसके पास जो जनरल अवेयरनेस थी वो नहीं है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उसके पास कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं थी। तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि आज तक जो दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स बने, जो दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, वो कैसे बने, उनकी जिंदगियों पर भी आपको बताया जाएगा कि वो कैसे बने। आज तक यहाँ पे बहुत सारे इकबाल आए लेकिन कोई अल्लामा इकबाल नहीं बन पाया। तो इसलिए आज आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे आपको गाइडलाइन किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। भद्रवाह में आज जाओ, जम्मू यूनिवर्सिटी भद्रवाह में आज 5 दिन का फेस्टिवल करा रही है यूथ पार्लियामेंट, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज में वहाँ पे अपना टैलेंट शो करेंगे स्टूडेंट्स, और भी दिगर जो है बाहर से भी यूथ आ रहे हैं और वो भी अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, चाहे कोई सिंगिंग में कर रहा हो, राइटिंग में कर रहा हो, डांसिंग में कर रहा हो, स्पीकिंग में कर रहा हो, किसी भी तरीके से कर रहा हो। तो इन चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना होगा। और मैं ज़्यादा बातें न करते हुए अपने यहीं पर रुख्सती चाहता हूँ आपसे, इन्हीं अल्फाजों से रुख्सती चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए